यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यूक्लिड डिविजन्स लेमा के अंदर एक डिवीजन प्रोसेस होता है, ठीक है। यूक्लिड डिविजन्स लेमा क्या है? एक डिवीजन प्रोसेस है, उसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं, जो उसका रिमाइंडर बचता है, जो उसका कोशेंट बचता है, उसी का रिलेशन जो है वो यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहलाता है। सपोज मान लेते हैं, लेट्स टू बी ए एंड बी इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसमें ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो ए इज डिविजिबल बाय बी। ओके, जब बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं तो मानते हैं क्यू टाइम्स में ये डिवाइड हुआ, तो यहां पे कोशेंट अगर क्यू होता है तो डिवाइड करते समय क्या करते हैं, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया बी क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो बच गया वो हो गया रिमाइंडर। यानी ए में से अगर बी क्यू को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, आर। तो ए इज इक्वल टू क्या है, अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, बी क्यू प्लस आर। तो जो ये रिलेशन आया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड डिविजन्स लेमा। इसको क्या बोल सकते हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा। क्लियर, यहां पे जो ए है उसको डिवाइड कर रहे हैं बी से, ओके। तो ए इज, ए को क्या बोल सकते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड। क्लियर, और बी क्या हुआ यहां पे, बी इज डिवाइजर, ठीक है। और क्यू, क्यू इज कोसेंट, और जो आर बचा, आर इज रिमाइंडर, ओके। यानी ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू टाइम्स में रिमाइंडर बचा आर, तो इनके रिलेशन को ही यूक्लिड डिविजन्स लेमा बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज सेवन को थ्री से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में जाएगा, टू टाइम्स में, थ्री टू जा सिक्स। तो यहाँ पे थ्री क्या है, वह है पी, यानी कि डिवाइजर, ठीक है। किसको डिवाइड कर रहे हैं, सेवन को, सेवन क्या है, ए डिविडेंट। कितना टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, टू टाइम्स में, यानी कोसेंट टू। ठीक है, और जो बच गया हमारे पास वो हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर वन, ठीक है। तो यूक्लिड डिविजन्स लेमा को यूज करके देखते हैं कि ये क्या सही है, क्या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्या है यहां पर थ्री, क्यू टू और आर वन, यानी सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, डिविडेंट इज इक्वल टू सेवन, प्रूव हो गया। ये हो गया यूक्लिड डिविजन्स लेमा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या है, वो ये है कि जो बी का वैल्यू है वो हमेशा ही क्यू से, सॉरी सॉरी, जो आर का वैल्यू है, आर इज लेस देन बी, रिमाइंडर जो है हमेशा ही बी से छोटा होगा।
अगर रिमाइंडर बी से छोटा होगा, ठीक है, और हो सकता है कि रिमाइंडर जीरो भी हो जाए, जीरो से बड़ा भी हो जाए, क्योंकि अगर पूरी तरह से डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो, अगर पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जब भी आएगा बी से कम आएगा। ऐसा इसलिए होता है अगर रिमाइंडर बी से ज्यादा आ गया, मान लेते हैं इफ आर इज ग्रेटर देन पी, ये कंडीशन है, आर बड़ा है बी से, तो वापस डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो यहां तो रिमाइंडर फिर बचा ही नहीं। तो जब तक आर का वैल्यू बी से छोटा नहीं हो जाता हम डिवाइड करते रहेंगे, क्लियर है, सिंपल सी यही है डिवाइड। तो आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आ रही है? तो यह है इक्विलेट डिवीजन लेमा। इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारा करेंगे। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो आ रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एन इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होगा वो 2q के फॉर्म में रहेगा, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो रहेगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। ये हमें शो करना है। अगर इस फॉर्म में आया, सपोज देखते हैं क्या हो सकता है, लेट्स टू बी ए एंड बी इज पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जहां पर हम बी का वैल्यू मान लेते हैं बी इज इक्वल टू समथिंग ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहां पे हमें 2q के फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो 2 मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2। अगर b का वैल्यू 2 मान लेते हैं तो r की वैल्यू तो b से छोटा होगा बट 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, यानी जो r का वैल्यू है वो लेस देन 2, तो r का वैल्यू लेस देन 2 क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जो फर्स्ट केस आया, केस 1, केस 1 में हम देखते हैं कि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो हम इक्विलेट डिवीजन लेमा यूज करते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो है, यही ना, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू हमें पता है 2, आर का वैल्यू 0, तो हमें क्या आया 2q, और किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी इंटीजर के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही इवेन आएगा, वो चाहे ऑड इंटीजर हो या इवेन इंटीजर हो, ऑलवेज हमारे पास इवेन इंटीजर आएगा। यही केस 2 की तरफ चलते हैं, केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो a का वैल्यू बी क्यू प्लस आर वापस यूज कर लेते हैं, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया EDL, तो 2q प्लस 1
देखो हमें पता है कि 2 क्यूब क्या है, इवन इंटीजर है ना, हमने देखा है। तो इवन प्लस वन, इवन प्लस वन ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑड। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि 2 क्यूब प्लस वन इज ऑड इंटीजर। ओके, तो 2 क्यूब प्लस वन इज ऑड इंटीजर। चलिए इसी के बेस पे और बहुत सारा प्रॉब्लम अपन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म 4m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, सॉल्व करें। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए कि so that the square of any positive odd integers, ठीक। तो कोई भी odd integers जो होता है वो 2 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में ही होगा, कोई भी odd integers, ठीक है। तो सबसे पहले वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने माना था। चलिए मानते हैं, लेट्स टू बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने ले लिया 2। सपोज तो अगर 2 लिया तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 2 से तो छोटा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है कि नहीं। अगर केस 1 की बात करते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिविजन लेमा यूज करते हैं, ओके। तो यानी 2 क्यू प्लस 0 2 क्यू, और हमें पता है कि जब भी 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या होगा, इवेन होगा। हमें इवेन के बारे में पूछा नहीं है, हमें किसके बारे में पूछा है, ऑड के बारे में पूछा है। तो केस 2 की तरफ चलते हैं, इफ r इज इक्वल टू 1 तो a का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 2 क्यू प्लस 1 विथ हेल्प ऑफ ई डी एल। तो इवेन प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड, यानी ये ऑड इंटीजर है। क्लियर हो गई बातें, अगर ये ऑड इंटीजर्स है तो आपको क्या बोला है कि अ स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहां पे इसको और आगे बना लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस
फोर क्यू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको अरेंज भी कर लेते हैं, फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, और फोर हम यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ओके प्लस वन। अगर इसकी वैल्यू हम एम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एम तो कुछ भी हो सकता है, तो फोर एम प्लस वन, और एम की वैल्यू यहां पे हम क्या लिए, वेयर एम इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ओके। तो इसका कहना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेंगे उसका स्क्वायर जो है हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वन तो ले नहीं सकते क्योंकि वो फोर से डिविजिबल नहीं है, वन का स्क्वायर वन, थ्री लेते हैं, मान लेते हैं ए का वैल्यू थ्री है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, इसको फोर से डिवाइड करके देखो, ठीक है, तो क्या आया, फोर इंटू टू प्लस वन इक्वल टू नाइन, यानी एम का वैल्यू अगर टू लेंगे तो फोर एम प्लस वन के फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं आया। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं चाहे तो, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल, इसको इरेज करके फिर और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जो नोट नहीं किया होगा नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एग्जांपल देख लूँ मैं यहाँ, चलो देखो पेन ले लेते हैं, चलो तो ए का वैल्यू अब कौन सा लेंगे, नेक्स्ट ले लेते हैं फाइव, क्लियर, तो फाइव का स्क्वायर क्या होगा, ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव में फोर से डिवाइड करके देखो, सिक्स टाइम ट्वेंटी फोर, रिमाइंडर वन बचा, तो अगर फोर इंटू सिक्स प्लस वन इजक्वल टू ट्वेंटी फाइव, एम का वैल्यू अगर सिक्स लेंगे तो फोर एम प्लस वन के फॉर्म में वापस आ गया। तो किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर करेंगे हमेशा फोर एम प्लस वन के फॉर्म में आएगा, यानी फोर हमेशा अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा वन बचेगा, इसका कहना यही है। एम कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, कोशेंट जैसा जैसा हमें नंबर इंक्रीज करेंगे कोशेंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है कॉन्स्टेंट हो गया फोर, बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए बोल रहा है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर वन फोर एफ फोर एम प्लस वन और फोर एम प्लस थ्री, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम क्यूब लेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ ऑड इवन के जिक्र नहीं किया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम क्यूब लेंगे या 4m के फॉर्म में आएगा या 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 4m प्लस 3 के फॉर्म में आएगा, बात समझ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, और बी की हम वैल्यू ले लेते हैं फोर। अगर फोर लिए तो हमें पता है जो रिमाइंडर है वो या तो वन आएगा या जीरो या टू या थ्री, हमेशा फोर से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोर केसेस बन गए, तो क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन चलिए देखते हैं। केस वन, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, ठीक है, यहाँ पे हो गया b का वैल्यू पता है फोर क्यू और r का वैल्यू जीरो यानी फोर क्यू, ए इक्वल टू फोर क्यू, ये एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आया, इसका क्यूब के बारे में हम बात कर रहे हैं,
इस पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, तो क्या होगा 64 क्यूब। या तो यहाँ पे हमको इसको या तो 4m के फॉर्म में लाना है, या 4m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, या 4m प्लस 3 के फॉर्म में आना है। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम प्रूफ करें क्या, तो हम आप देख लो सिंपल सी है, लाना क्या है 4m, यानी 4 तो हमें गिवन है, 4 तो डिवाइजर होगा ही होगा, m कुछ भी हो सकता है, लिखा है m इज सम इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 16 क्यूब क्यू हो। अगर इसको हम m मान लेते हैं, सपोज हम इसको क्या मान लेते हैं m, तो ये क्या हो गया 4m, और m का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू 16 क्यूब क्यू। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड आते हैं केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r का वैल्यू 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वापस वही ले लेते हैं तो 4q+1, a का वैल्यू ये आया तो aq इज इक्वल टू क्या आएगा 4q+1 का होल क्यूब, तो इसको aq a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ दो, ऐसे लिख लेते हैं, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b + 3ab² इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही ब्रेक करेंगे इसका क्यूब करो 64 क्यूब, इसका क्यूब 1 प्लस 3a², ठीक है, और b की जगह 1 प्लस 3a² 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है ध्यान से देखना, 64 क्यूब + 1 प्लस 48q² + 12q, ये है ठीक है। थोड़ा सा पेज को डाउन कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके चलो, तो यहां पे अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 16 क्यूब। ओके प्लस 12q² प्लस 3q, 1 में से कॉमन होगा नहीं, ये बाहर आ गया। अगर इस सब की वैल्यू हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, तो ये क्या हो गया 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहां पे m का वैल्यू जो है वो क्या है m इज इक्वल टू 16 क्यूब + 12q² + 3q। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं केस 3 के ऊपर, ठीक है ओके, इसको इरेज कर दें फिर आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर हम केस 3 और 4 तो सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग नोट नहीं कर पाए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे, या वीडियो स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपकी मर्जी। ओके जो डाउट होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चलो तो हमारे पास 3rd, ठीक है केस 3rd पे आते हैं।
इज थर्ड। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम टू ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही है ना, और ये हो कि आपके पास फोर क्यू और आर का वैल्यू टू, ए का वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया। ओके तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फोर क्यू प्लस टू का होल क्यू। हम पहले भी बता दिए कि ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ो, तो इसका क्यूब करेंगे 64 और इसका क्यूब करेंगे 83 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है? इसको अरेंज करने के साथ ही लिख लेते हैं। ओके इसमें से 4 कॉमन लीजिए, लिख सकते हैं 4 कॉमन, इस सब में 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन लिए तो ये कि क्या गया 24 60 प्लस 2, तो ये वैल्यू आई। तो अगर m का वैल्यू हम ले लेते हैं इतना, तो ये 4m के फॉर्म में आ जाएगा, और m का वैल्यू क्या होगा, वेयर m इज इक्वल टू 16 क्यूब प्लस 24 क्यूब स्क्वायर प्लस 16 क्यूब प्लस 2, ये हो गया 4m के फॉर्म में। हमने तीन प्रूफ कर रखा है, 4m के फॉर्म में प्रूफ किया था, 4m प्लस 1 के फॉर्म में, 4m वापस आ गया 4m के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी एक और केस है, केस 4, तो केस 4 पे चलते हैं। ठीक है, नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा पेज डाउन, इतना में हो जाएगा केस 4। ठीक है, तो केस 4, इफ आर इज इक्वल टू 3, यही है ना, और ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3 विथ हेल्प ऑफ यूक्लिड डिविजन्स लिम, और ए क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 4 क्यू प्लस 3 का होल क्यू। क्लियर है? वापस आते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, 27 144 और ये आया 108 क्यू। क्लियर है? यहां से 4 अगर कॉमन लेंगे इसमें से, तो 4 कॉमन होगा नहीं, ये हो गया 36 और ये हो गया आपके पास 27 क्यू प्लस 27। रिमाइंडर b से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको m, तो 4m प्लस 27, 4m यानी जो हमारा डिवाइजर है वो 4 है, तो डिवाइजर 4 और रिमाइंडर 27, इट इज नॉट ए पॉसिबल। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करें तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 3, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं यानी 24 प्लस 3, तो 27 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, देखिए 24 प्लस 3, ठीक है ये आया। तो यहाँ इसमें से तो 4 कॉमन हो सकता है 24 में से, तो यहाँ ले अगर 4 कॉमन लेंगे
तो क्या रिजल्ट है, क्या आएगा, ध्यान दो। तो 16 क्यूब प्लस 36 क्यूब स्क्वायर 27 क्यूब प्लस 6 प्लस 3। तो m का वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू को हम m का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4m प्लस 3। यहाँ पर सॉल्व कर लें क्या, 4m प्लस 3। और लेकिन m का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वेयर m इज इक्वल टू 16 क्यूब प्लस 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 6। क्लियर है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से उसका अगर हम क्यूब करेंगे, या तो 4m के फॉर्म में आएगा, या 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या 4m प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। उसका कहना है कि 4m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, उसका क्यूब कीजिए, क्यूब करने के बाद उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा यानी कुछ भी नहीं आएगा, या 1 आएगा या 3 आएगा। यही ये चीज को प्रूफ करता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। So that one and only one out of n, n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 4. कोई ऐसा नंबर है n, ठीक है, उसको अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी नंबर से हमारे पास n है, n plus 4 है, n plus 8 है, n plus 12 है, n plus 16 है, ठीक है, ये सारे नंबर है। उसमें से n कोई भी हो सकता है, n is any positive integers। तो जब ये नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सारे कंडीशन में सिर्फ एक जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है और बाकी 4 डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो यही हमें दिखाना है। अगर समझ में नहीं आई मेरी बात है तो चलिए यहां देखते हैं। मान लेते हैं, लेट्स टू बी एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, डिविजिबल बाय 5। यानी बी का वैल्यू 5 हो गया, तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर तो बी से हमेशा छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो आर इज इक्वल टू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास एक नंबर है, वो है n, यानी कि डिविडेंड, ठीक है। हमें पता है यूक्लिड डिविजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं? और a की जगह यहां n है, बी क्यू और आर, ये हुआ। तो आर का जो वैल्यू है वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे आर के वैल्यू हैं। तो अगर आर के वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो एन का वैल्यू जो है वो 5 क्यू आ जाएगा, और 1 रख देंगे तो 5 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 5 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, और 3 रख देंगे तो 5 क्यू प्लस 3, और 4 रख देंगे तो 5 क्यू प्लस 4। तो ये 5 कंडीशन बनता है n का, ठीक है। इसमें से कोई एक ही जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो आप देख लीजिए इसमें 5 से डिविजिबल कौन है, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता हो कॉमन लेने पे, तो ये हो गया, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है। तो लिख सकते हैं कि 5 क्यू इज डिविजिबल बाई
फाइव, बात समझे? क्लियर हो गई बातें। अब दूसरी केस क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी केस में क्या दिया था, या तो n या n प्लस फोर और n प्लस एट, n प्लस ट्वेल्व, ये सारी कंडीशन है आपके पास। तो चलिए देखते हैं। तो n प्लस फोर रखते हैं, तो n का वैल्यू जो था हमारे पास वो था फोर क्यू प्लस वन, फोर क्यू प्लस टू, फोर क्यू प्लस थ्री एंड फोर क्यू प्लस फोर। तो n प्लस फोर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फोर ऐड होता जाएगा, तो ये हो गया फोर क्यू प्लस फोर। फोर क्यू प्लस वन में फोर ऐड कर देंगे तो फोर क्यू प्लस फाइव, फोर क्यू प्लस टू में फोर ऐड कर दो तो फोर क्यू प्लस सॉरी फाइव क्यू प्लस सिक्स, ठीक है। फाइव क्यू प्लस थ्री में फोर ऐड करो तो फाइव क्यू प्लस सेवन, ओके। और फाइव क्यू प्लस फोर में फोर ऐड करोगे तो फाइव क्यू प्लस एट। तो ये था। अब इसमें देखना है कि फाइव से डिविजिबल कौन है, ये है। इसमें से फाइव कॉमन लिया जा सकता है, जिसमें से कॉमन लिया जा सकता है वो डिविजिबल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फाइव क्यू प्लस फाइव इज डिविजिबल बाई फाइव। क्लियर हो गई बात है। अब आते हैं एक का वैल्यू जो है एन प्लस एट ले लेते हैं, और एन का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है फाइव क्यू, तो फाइव क्यू प्लस एट, फाइव क्यू प्लस वन रहेगा तो फाइव क्यू प्लस नाइन, एट ऐड करते जाओ, फाइव क्यू प्लस टेन, फाइव क्यू प्लस इलेवन और फाइव क्यू प्लस टू। इसमें फाइव से डिविजिबल होने वाला कौन है, देखो ये है, इसमें से फाइव कॉमन आ सकता है कि नहीं। तो लिख सकते हैं कि फाइव क्यू प्लस टेन इज डिविजिबल बाई फाइव। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट केस पे। अगर ए का वैल्यू हम लेते हैं एन प्लस एट, तो ले लिए हैं ट्वेल्व, ठीक है। तो एन प्लस ट्वेल्व, एन का वैल्यू हमें पता है, तो क्या आएगा, फाइव क्यू प्लस ट्वेल्व, फाइव क्यू प्लस थर्टीन, फाइव क्यू प्लस फोर्टीन एंड फाइव क्यू प्लस फिफ्टीन और फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन, ठीक है। ट्वेल्व ऐड करते गए, तो इसमें फाइव से डिविजिबल होने वाला कौन है, ये है। ओके, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि फाइव क्यू प्लस फिफ्टीन इज डिविजिबल बाई फाइव। क्लियर हो गई बातें। ए इज इक्वल टू एन प्लस सिक्सटीन। क्लियर। और ए का वैल्यू एन प्लस सिक्सटीन जब आया, तो एन का वैल्यू वापस पता है, तो वापस वही करो, ये सेम प्रोसेस करते जाएंगे हम लोग। फाइव क्यू प्लस एटीन, फाइव क्यू प्लस नाइनटीन एंड फाइव क्यू प्लस ट्वेंटी। तो यहां से फाइव क्यू से डिविजिबल होने वाला कौन है, ये खुद है ना। तो लिख सकते हैं फाइव क्यू प्लस ट्वेंटी इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई फाइव। तो हर केस में, जितने सारे केसेस बने, हर केस में सिर्फ एक ही जो है वो फाइव से डिविजिबल
हुआ, ठीक है। तो यही हमें शो करना था, वन एंड ओनली वन डिविजिबल बाई फाइव इन एवरी केसेस। ओके तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं, अलग से होमवर्क आपको देंगे और उस क्वेश्चन को वापस हम सॉल्व कराएंगे। एनसीईआरटी की सारी सीरीज सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ अवेलेबल होंगे बस कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बेल आइकन्स दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आपको मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।